अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 दिन से मदीने में हूँ और मक्का छोड़ते वक्त जो दिल पे गुजरी थी इंशाल्लाह अगले वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगी, पर फ़िलहाल मैं मदीने में हूँ। मैं इस शहर में हूँ जो दुनिया का सबसे सुकून वाला शहर होगा। यहाँ पे एक अलग ही पीसफुल माहौल है, एक अलग ही बोलता है ना, एक डिवाइन फीलिंग होती है वो, और एक अजीब सी सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है ना, वो आके यहाँ पे मिली है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे शख्स, पहले तो अल्लाह ने दीन नसीब किया और इतने कम अरसे में अल्लाह ताला ने उसके घर बुलाया और मेरे नबी के शहर में बुलाया जो इतना खूबसूरत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, मस्जिद नबवी है ये, और ये जन्नतुल बकी है। यहाँ पे मैंने मेरे शोहर के मुँह से सुना है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए और यहाँ आम लोग भी दफन किए जाते हैं उन्हीं सहाबाओं के साथ, और सब एक ही मिट्टी में है। कोई ऐसा डाइवर्सिफाई या क्लासिफाई नहीं किया हो कि इस यहाँ पे सहाबाओं की कब्र है, यहाँ कॉमन लोगों की कब्र है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही मिट्टी के तले है। तो ये कितना कितना खूबसूरत है। और मैं ये वीडियो खास करके इसी यही बात आपसे शेयर करने के लिए बनाना चाहती थी। मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं खुद को कितना खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे ये जगह भी देखने अल्लाह ने नसीब कर दी। मतलब इस जगह का सुकून ही बहुत अलग है, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब मदीने में आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे बार बार नसीब करे, अल्लाह हर किसी को नसीब करे जो इस जगह को देखना चाहता है, हर किसी को अल्लाह मक्का भी नसीब करे, मदीना भी नसीब करे। तो दुआओं में ख़ास याद रखना, और मैं आपसे अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मक्का छोड़ते वक्त, काबा छोड़ते वक्त क्या फ़ील हुआ था मुझे। तो दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। और थोड़े छोटे छोटे अपडेट्स में कहाँ हूँ ये सब जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो मेरी इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरी प्रोफाइल में इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।